सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस, आज थोड़े हम बात करने वाले हैं कि अगर दोस्तों आप भीम यू पी आई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर दोस्तों अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन में अपने जियो पेमेंट बैंक को अगर आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके भीम यू पी आई एप्लीकेशन में आपका जो जियो पेमेंट बैंक है ऐड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों कैसे अपने जियो पेमेंट बैंक को अपने यहाँ पर भीम यू पी आई एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, और दोस्तों जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको ऐड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक कुछ स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप एप्लीकेशन में अपने जियो पेमेंट बैंक को आप कैसे ऐड करेंगे, कैसे आप लिंक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन में यहाँ पर दोस्तों भीम यू पी आई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन को, इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको परमिशंस को अलाउ करना, परमिशंस अलाउ जैसे कर देंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज चूज करना, लैंग्वेज जैसे आप इस तरीके से चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दोस्तों इस बॉक्स पे क्लिक करना, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो परमिशंस को इस तरीके से अलाउ करना, परमिशन जैसे आप इस तरीके से अलाउ कर देंगे तो आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना, सेंड एसएमएस पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तब तो फाइनली दोस्तों आपका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने दोस्तों इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा, पासकोड डालने का ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी पासकोड, अपने पासकोड को आपको यहां पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक अपना पासकोड अगर आप नहीं बनाया तो अपने पासकोड को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों हम अपने पासकोड को इस तरीके से डाल दें, दोस्तों मेरा पासकोड ऑलरेडी बना हुआ है तो इस तरीके से अपने पासकोड को हम डाल दें। डालने के बाद में अब मेरा भीम यू पी आई एप्लीकेशन प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ चुका है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने जियो पेमेंट बैंक को आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे लिंक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, क्यू आर कोड ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपका पे नीचे दोस्तों एक ऑप्शन होगा यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का, तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ढेर सारे बैंक का नाम ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ढेर सारे बैंक का लिस्ट इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जियो पेमेंट बैंक को आपको अपनी भीम यू पी एप्लीकेशन पर लिंक करना, ऐड करना। तो कैसे करेंगे, आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, सर्च बार पर जैसे क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा जियो पेमेंट बैंक। दोस्तों जैसे आप ऐसे जियो पेमेंट बैंक लेकर के आप टाइप करेंगे इस तरीके से, तो दोस्तों आपका जो जियो पेमेंट बैंक है दोस्तों यहाँ पे सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों अगर अपने भीम यू पी आई एप्लीकेशन से दोस्तों अगर अपने जियो पेमेंट बैंक को अगर आप लिंक कर रहे हैं, और दोस्तों जब आप इस तरीके से सर्च कर रहे हैं अपने जियो पेमेंट बैंक का नाम लेकर किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो बैंक है यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों आपका जो जियो पेमेंट बैंक है भीम यू पी आई एप्लीकेशन में जो बैंक का लिस्ट होता है उसमें दोस्तों जियो पेमेंट बैंक ऐड नहीं किया गया, उस लिस्ट में जियो पेमेंट बैंक नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सर्च करने पर आपको जो बैंक अकाउंट है आता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपका बैंक इसमें लिंक नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे बैक आना, बैक आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भीम यूपीआई कस्टमर केयर से आपको बात करना पड़ेगा। जब दोस्तों आप भीम यूपीआई कस्टमर केयर से बात करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तब दोस्तों आपको यहां पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन में आपको यहां पे दोस्तों जियो पेमेंट बैंक ऐड करने का जो ऑप्शन है आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहां पे ऐड नहीं हो रहा है तो आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में अब आप वहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने पेटीएम या दोस्तों अपने फोन पे ऐप को ओपन करना पड़ेगा। इस तरीके से हम पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। दोस्तों हम प्रोफाइल पे जैसे क्लिक कर देंगे, जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आना, नीचे आने के बाद में इस तरीके से धीरे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा यूपीआई पेमेंट सेटिंग का, तो आपको यूपीआई पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से आपको धीरे नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो बैंक आपका इसमें लिंक आपका बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड बैंक पे क्लिक करना, ऐड बैंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जियो पेमेंट बैंक। दोस्तों जैसे आप इसे जियो पेमेंट बैंक लिख करके आप टाइप करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जियो पेमेंट बैंक इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको अपने इस बैंक पे क्लिक करना, इस बैंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में अब आपको जो जियो पेमेंट बैंक है आपके पेटीएम ऐप से लिंक हो जाएगा, आपके पेटीएम ऐप से आपका जो जियो पेमेंट बैंक है ऐड हो जाएगा। इस तरीके से मेरा जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आपके भीम ऐप में आपका जियो पेमेंट बैंक यहाँ
पे लिंक नहीं हो रहा है, ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अपन पेटीएम अपने फोन पे अपने गूगल पे में आप लिंक कर सकते हैं, वहां से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐड करना चाह रहे अपने भीम यूपी एप्लीकेशन में तो आपको एक कंप्लेन करना पड़ेगा, तभी दोस्तों अपने भीम यूपी एप्लीकेशन अपने जियो पेमेंट बैंक को आप ऐड कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।